मैं जब इंटरव्यू बोर्ड में बोर्ड के सामने बैठा हुआ, उन्होंने मुझे एक पजल पूछा था। उन्होंने बोला कि आप, मैं एक स्क्वायर में एक पेपर देता हूँ, उसको मैं 10 times फोल्ड करता हूँ, तो उसके बाद फोल्ड करने के बाद मैं कट करता हूँ, तो उसमें से कितने वो निकलेंगे पीसे। नमस्कार, ई ज्ञान स्वागत की सक्सेस स्टोरी में आपका वेलकम है। मैं हूँ आपके साथ प्रीति रागिनी। जी हाँ दोस्तों, हम भी सिविल सर्विसेज के लिए ये सारे प्रोग्राम्स आपके बीच रखे हैं और इनसे तरह तरह के सवाल और उनके जवाब आपको मिले हैं। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस के साथ साथ कैसा रहा उनका ये सफर, उन सब चीजों के बारे में भी जानेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर संजीव कुमार सिन्हा सर से। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर से आज हम जानेंगे कि सिविल सर्विस की तैयारी किस से करें, कहाँ प्रॉपर गाइडलाइंस मिलते हैं, कैसे आप इस फील्ड को आगे लेके चल सकते हैं और फिर अपने दिक्कतों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी उससे उस समय मैंने शुरू किया। और सबसे पहले तो जब आप इसकी तैयारी करते हैं तो प्रॉपर आपको एक गाइड चाहिए होता है, तो आप कौन, आप किसके पास जाएं, और बुक्स तो चूंकि मार्केट में बहुत सारे हैं, तो आप कौन से बुक्स सेलेक्ट करें, किसके नोट्स को आप मतलब फॉलो करें, ये सब सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मतलब बहुत ही मायने रखता है। हाँ, मतलब कि ये जब आप करेंगे तो एक प्रॉपर वे में आपकी तैयारी होगी, नहीं तो आपकी तैयारी जो है वो मतलब अनडायरेक्शनल हो जाएगी। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर बिल्कुल सही बता रहे हैं सर। और सर आपका जैसे आप स्टूडेंट के साथ तो आप एक टीचर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग है। तो आप एक स्टूडेंट होते के साथ साथ कॉन्फ्रेंसिंग प्रॉब्लम देखे, आप टीचर के रूप में जब आप खड़े उतरे तो फिर आप स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी शुरू कर दिए, तो इस दरमियान किन किन बातों को लेके तैयार हो जाना होगा पूरी तरह से ताकि आप कहीं रुके नहीं। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले एक सिलेबस को पूरी तरह से मतलब उसको देखें, और एक बार सिलेबस को डीपली आप उसको समझें कि आपको कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये सबसे जरूरी है। क्योंकि सिलेबस को आप प्रॉपर वे में नहीं समझेंगे तो आपकी तैयारी जो आप प्रिपरेशन करेंगे वो बीच में डिस्टर्ब हो सकता है, आप सही तरह से वो नोट्स नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि आप जो है सिलेबस को थॉरली उसको एक बार स्टडी करें, उसके बाद सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप बुक्स सेलेक्ट करें। क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी बुक्स हैं, तो आप बुक्स को सेलेक्ट करें। जैसे अभी आप देखे होंगे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी है, अब हिस्ट्री में तो बहुत सारे बुक्स हैं, तो आप उतने बुक्स को पढ़ नहीं पाएंगे, आपके पास समय भी कम है, तो आप कुछ स्टैंडर्ड बुक है ना उसको आप सेलेक्ट करें। और एक स्टूडेंट के एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि अभी वो नेट से वो तैयारी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है पढ़ाने के दौरान, क्योंकि मैंने 400-500 स्टूडेंट्स को मैंने सिविल सर्विसेज के लिए ही पढ़ाया और खुद भी सेलेक्ट हुआ, तो मैं ये फील करता हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो इंटरनेट का सारा मटेरियल को वो लेते हैं, वो आपका तरीका गलत है। आप एक स्टैंडर्ड बुक को सेलेक्ट करें जो आपके सीनियर्स हैं या जो जिनके गाइड में आप जा रहे हैं, जो आपके मेंटर हैं, उनसे आप एक बार पूछें कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। उसके बाद और बुक, और दूसरी गलती स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि बुक्स बहुत सारे पढ़ने लगते हैं है ना, बहुत सारे बुक्स पढ़ने लगते हैं, ये पढ़े वो पढ़े, तो बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। तो आप एक बुक दो बुक चुने और स्टैंडर्ड बुक चुने और उसी को बार 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 पढ़े, उसकी रिवीजन करें, मेन आपको रिवीजन करना है, है ना। तो सर बिल्कुल बता रहे हैं कि जो गलतियां हम लोग कर बैठते हैं सिविल सर्विस की तैयारी में वो होते हैं कि बुक्स का सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम कर लेते हैं, और बुक्स का सिलेक्ट भी करते तो ये सारा कर लेते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि नेट को लेके हम लोग बैठ जाते हैं, सोचते हैं सारा चीज सॉल्व हो गया। तो दोस्तों ऐसे नहीं करना है, सही प्रॉपर तरीके से बुक सिलेक्ट करेंगे और उसको सही से रिविजन बाई रिविजन करते रहना, तभी हम प्रॉपर वे में तैयार हो सकते हैं। ये तो बात सही रहा। उसके बाद सर अब जैसे बहुत से स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी करते हैं, बहुत से स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके नजरिया क्या कहता है कि सेल्फ स्टडी प्रॉपर तरीके से तैयार हो पाएंगे बिना किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाते?
देखिए प्रोप यदि सेल्फ स्टडी आप घर पे 8 से 10 घंटे टाइम देते हैं तो आपकी सेल्फ स्टडी हो सकती है, लेकिन चूंकि क्या होता है कि गाइड तो चाहिए, एक मेंटर चाहिए, तो थोड़ा आपको टाइम थोड़ा अधिक लग जाएगा उसमें, आप टाइम टेकिंग थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो आप या तो आप पॉसिबल हो तो क्लासरूम करें, या नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस भी आप कर सकते हैं। अभी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जैसे ई ज्ञान सागर, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को इसके बारे में भी बताया। तो आप या आप यदि पॉसिबल हो तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें, और यदि पॉसिबल नहीं हो, आप यदि जॉब, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जॉब में होते हैं, तो जॉब में है तो उनको तो कोचिंग का टाइम नहीं है, तो फिर आप एक अच्छी ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, है ना। तो ये तैयारी का एक बेस्ट तरीका है, है ना। सेल्फ स्टडी से हो सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, और आप किसी गाइड में रहेंगे तो आपको लिखने, सबसे बड़ी बात है कि इस एग्जाम को पास करने के लिए आपका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, जो आपके मेंटर ही आपको अच्छा कर सकते हैं। आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ पे सही कर रहे हैं, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा। तो मेरे नजरिए से तो एक कोचिंग, चाहे आप ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, एक तो होना चाहिए। बिल्कुल, तभी आप सही तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सुझाव सर ने हमें दिया है, और बिल्कुल इस सुझाव के साथ अगर आप फॉलो करेंगे तो सक्सेस तो होना ही है। सर आप बता रहे हैं कि ये तो जेपीएससी की बात कर रही है, यूपीएससी की बात कर रही है, अदर स्टेट की हमारे स्टूडेंट तो बहुत सारे इंटरव्यू में जाते हैं, तो इस विषय में आपका क्या कहना है, जो अलग चीजें जो स्टेट की है। आपको एक स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा कि आप जो अपनी तैयारी शुरू करते हैं, तो आपका जो एम्बिशन होना चाहिए, आपका जो गोल होना चाहिए, वो यूपीएससी ही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप यूपीएससी लेवल के स्टडी करेंगे तो आप स्टेट पीसीएस भी आराम से आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस तो लगभग सबका सेम ही, सब कुछ पढ़ना है। जैसे यूपीएससी में भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर आपका एक अपना सब्जेक्ट है। स्टेट पीसीएस सिर्फ झारखंड को छोड़कर बाकी सारे स्टेट पीसीएस में भी आपको एक पेपर ऑप्ट करना है, तो आपको यूपीएससी की तैयारी, उसी स्टैंडर्ड की तैयारी करनी है, उसी स्टडी स्टैंडर्ड की आप जब तैयारी करेंगे तो स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करेंगे। बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो सॉल्व होंगे ये सारी तमाम तरह के जो सवाल थे। अब सर आपने बताया कि आपने जब तैयारी की थी, आपने स्टूडेंट की ग्रेजुएशन के दौरान आपने स्टार्ट कर लिया था, आपका नजरिया क्या क्या था कि स्टूडेंट को कब तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए? अभी के दौर में, अभी ऐसा है तो अभी के दौर में क्या है, हम लोगों के समय तो चूंकि हम लोगों को प्रॉपर ये पता नहीं था कि क्या करना है, हम लोगों को ये टाइम लग गया 1 साल 2 साल सोचने समझने, लेकिन अभी तो इतने सारे मटेरियल है, स्टूडेंट अवेयर है, तो स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से यदि आप पार्ट वन में है तो आप स्टार्ट कर दें तैयारी करना। आप 2 घंटा समय दे पर डे, एकेडमिक पढ़ाई पे तो आपको समय देना ही है, साथ में आप 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम निकालें ताकि आपकी तैयारी वो स्टार्ट हो जाए, और जब आप ग्रेजुएट हो जाएं उसके बाद फिर उस तैयारी को और डेप्थ में चले जाएं, तो परेशानी नहीं होगी और आपका समय भी बचेगा। तो मेरे ख्याल से वो पर डे मतलब ग्रेजुएशन के दौरान ही स्टूडेंट को तैयारी शुरू, मतलब ये सही समय रहता है ताकि बहुत टाइम भी मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस रहता है, बहुत फास्ट सिलेबस होता है, तो इस दौरान जो है स्टूडेंट को ये लगता है कि जेपीएससी की बात और समय पे एग्जाम नहीं होती है, कहीं फंस जाते हैं तो आगे में छूट जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि नहीं आगे के लिए मतलब जो रुकावट आ जाती है उनके मन में, वो उस दौरान आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सिस्टम है, सिस्टम में तो ये चलता ही रहता है, है ना। एक यूपीएससी को छोड़कर और कुछ एक दो स्टेट्स को छोड़कर बाकी स्टेट्स में वो चलते रहते हैं, कभी एग्जाम्स डिले होते हैं, कभी कोर्ट में लोग चले जाते हैं कुछ बातों को लेकर, फिर कोर्ट में फंस जाता है मामला। तो आप बी पॉजिटिव रहे, कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं होना, है ना। डिसअपॉइंट होंगे तो आपका जो आप जितनी तैयारी कर चुके हैं वो फिर बैक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप वो सब पे ध्यान रखें और अपने एम्बिशन को ध्यान पे रखें। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, अच्छा। है ना। अभी जैसे मैंने इसके पहले मैंने 5th दिया, 5th JPSC मेरा 4 मार्क्स से मेरा वो छूटा, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मुझे लगा कि पता नहीं अब करना चाहिए तैयारी के लिए, लेकिन मैंने फिर से तैयारी शुरू किया और कंटिन्यू रहा, चाहे वो कोर्ट का मामला हो, चाहे वो लेट हो, चूंकि एग्जाम्स भी खास करके जेपीएससी बहुत टाइम टेकिंग एग्जाम्स है, तो यही आपका पेशेंस, आपका धैर्य ही आपको रिजल्ट देगा। बिल्कुल,
मेरे ख्याल से, ये मेरा एक्सपीरियंस जी। बिल्कुल सही आपने कहा सर, और काफी आपने टाइम को देखा और बहुत कुछ फील किया आपने। तो ये तो बात होगी कि आपका अंदर में प्रेजेंस है। एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए फैमिली का सपोर्ट कैसा होना चाहिए? फैमिली का सपोर्ट, देखिए फैमिली की सपोर्ट मेंटली तो चाहिए ही चाहिए, जो आपको बूस्टअप करते रहे, लेकिन करना तो खुद से है। अब ये सोचकर कि फैमिली सपोर्ट करेंगे तब मैं करूंगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको सब कुछ खुद करना। हाँ, मेंटल सपोर्ट के लिए फैमिली, हाँ आप यदि कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप बड़े भाई से बात कर सकते हैं, मम्मी पापा यदि एजुकेटेड है तो उनसे आप बात कर सकते हैं, बहन है तो उनसे बात कर सकते हैं, ये जरूरी है। लेकिन मेहनत तो आपको खुद ईमानदारी से मेहनत करना पड़ता है। सही बता रहे सर की पूरी ईमानदारी के साथ सर के बताए हुए जितनी भी चीजें बता रहे हैं उसको अगर फॉलो किया जाए तो भी सक्सेस तो होना है। हाँ, टाइम लग सकता है, ये तो सही बात है। और एक बात और है कि मैं तो मतलब मेरी शादी भी हो चुकी और मैं मैरिड लाइफ में भी मतलब मैंने तैयारी की, तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी पत्नी का, अपने भैया का, अपने छोटे भाई का सपोर्ट तो मिला ही है ना। लेकिन एटलीस्ट मेहनत तो मुझे ही करना पड़ा, पढ़ाई तो खुद मुझे ही करनी पड़ी। सही कहा आपने सर। ये तो रहा आपका सफर, काफी अप एंड डाउन तो रहा, पेशेंस भी आपने रखा। सिविल सर्विस की तैयारी के लिए पेशेंस होना बहुत ही जरूरी होता है। और कुछ ऐसे गाइडलाइन जो स्टूडेंट जो है सोच तो लेते हैं, कर नहीं पाते हैं, फिर पढ़ते हैं, ऐसे करते करते बहुत टाइम निकल जाता है, उस दौरान बहुत से स्टूडेंट को ऐसा भी लगता है कि कुछ पार्ट टाइम जॉब करें, तो क्या ये सही रहता है कि वो पार्ट टाइम जॉब में डाइवर्ट होने के बाद भी अपना पढ़ाई को बरकरार रखें? बिल्कुल, वो पार्ट टाइम जॉब करके भी वो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आपको एक मॉनिटरी हेल्प भी चाहिए, और यदि आप खुद की कमाई से यदि आप मेहनत करते हैं तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैंने खुद कमाया और खुद तैयारी किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैंने खुद की तैयारी खुद के पैसे से है ना किया। तो आप यदि अर्न करते हैं तो बेटर है, लेकिन हाँ ये भी है कि आप वैसे जॉब को सेलेक्ट करें जो आपके पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो, है ना। अब आप वैसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा हो, आप उसी में पूरी तरह से एंगेज हैं, तो ये आपके पढ़ाई में तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। अब जैसे मैं दिन के 5 घंटे कोचिंग में पढ़ाता था, है ना, बाकी का समय मैं पढ़ाई में देता था, तो 5 घंटे के अलावा जो समय मिलता है वो काफी मिलता है, काफी मिलता है। और अगर इस तरह के मतलब आपकी तैयारी वाला करने के साथ साथ आपको पढ़ाने का भी जॉब मिलता है तो ये ज्यादा बेस्ट है। हाँ, आप यदि टीचिंग लाइन सेलेक्ट करते हैं तो ज्यादा बेस्ट है, उससे क्या आपकी एक्सपीरियंस भी बढ़ेगी, आप उस सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वो सब्जेक्ट से भी आप मतलब वो खुद से भी तैयारी हो जाएगी। पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप नहीं जानते हो वो आप जान पाएंगे और आपकी तैयारी में वो सपोर्ट करेंगे। सर ये तो बातें हो गई, आपकी बहुत सारी चीजें जानने को मिल रहा है और स्टूडेंट को इसका फायदा भी होगा। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको कब लगा, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप इसे फील्ड में आए और इसी के लिए सोचे? चूंकि मेरे फादर जो कि रेंज ऑफिसर थे, तो मैंने वो भी एक स्टेट पोस्ट ही है, तो मैंने उनका रुतबा, रेपुटेशन और सब कुछ मैंने देखा था, चूंकि ये मेरे फैमिली में ही था, वो चतरा में पोस्टेड थे बहुत दिन तक, तो मुझे उनसे भी इंस्पिरेशन मिला। और मेरे फादर का ये ड्रीम था कि मेरा बेटा एक एडमिनिस्ट्रेशन में आए, और मेरा घर रातू में है, तो रातू में चूंकि एक दो अगल बगल भैया लोग थे, उन्होंने बीपीएससी और जेपीएससी क्वालिफाई किया था, तो उससे भी मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, उन लोगों का जो समाज में जो रेपुटेशन है उसे देखकर भी मैं इंस्पायर्ड हुआ कि नहीं मुझे भी ये तैयारी करनी चाहिए। हालांकि मुझे थोड़ी लेट में मिली है लेकिन फाइनली मिली। बहुत अच्छी बात है सर। और अब हम जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है नोट्स तक तैयारी करने में कि नोट्स कैसे बनाए, काफी बुक्स पढ़ने लगते हैं, नेट से देखने लगते हैं लेकिन प्रॉपर से बना नहीं पाते। आपका किस तरह का अनुभव रहा और किस तरह से आपने आपका नोट्स तैयार किया? सबसे पहले तो नोट के लिए स्टूडेंट्स ये माइंड मेकअप कर लें कि मुझे नोट्स बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नोट बनाते ही नहीं, तो क्या होता है कि जब वो एग्जाम देने लगते हैं, है ना, जब वो पीटी की हो या मेंस की हो, तो वो बुक्स पूरा पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं, तो रिवीजन तो कर नहीं पाते हैं। तो रिवीजन के लिए आपको एक प्रॉपर नोट बनाना बहुत जरूरी है। वो आप फुटनोट बना सकते हैं, चाहे आप फुटनोट बना सकते हैं या जैसे आपको एक बुक लिए तो बुक के सारे चीज आप उतारेंगे वो नोट्स नहीं हुआ, वो तो बुक ही हो गया। तो आप उसमें
सबसे पहले तो आप पेंसिल से मार्क करें कि ये एग्जाम्स के सेंस ऑफ व्यू से मेरे लिए, मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप उसको नोट करें, या आप उसको ग्राफ सॉरी चार्ट वाइज आप लिख सकते हैं, चार्ट वाइज कॉलम वाइज है ना, तो वो सब आप करके आप वो चीज आप करें, है ना, वो करना जरूरी है। तो वो जब आप करेंगे तो उसको एग्जाम के समय आप अच्छे से रिविजन करेंगे, है ना। उसके अलावा क्या होगा कि आप दो तीन बुक्स जो पढ़ते हैं तो उसका कलेक्शन आपको एक जगह ही हो जाता है ना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो बोलते हैं सर मैं नोट बनाता ही नहीं, है ना। तो आप मान लीजिए नोट्स नहीं बनाते हैं और एक बुक में सारा मटेरियल तो अवेलेबल है नहीं, सारे सोर्सेस तो है नहीं, तो आपको सिलेबस को कवर करने के लिए बहुत सारे सोर्सेस यूज करने पड़ते हैं। तो आप सबसे पहले अपना फुट नोट बनाइए, क्योंकि आपके सक्सेस के लिए वो फुट नोट होना बहुत जरूरी है। और उसको गहरे से पढ़ सकते हैं आप, हाँ। और एक बुक को आपने पढ़ लिया और उस टाइम आपके जहन में जाता है, फिर बाद में भूल जाते हैं और उसको बार बार आप रिवाइज भी कर सकते हैं। एक अलग अलग बुक से निकाल के जब नोट्स तैयार होता है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नोट्स तैयार होता है, और जैसा कि सर की नोट्स का फायदा और लोग भी ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे नोट्स बिल्कुल बनाना चाहिए, आप भी बनाइए कि आने वाले टाइम पे आपके नोट्स से किसी और को फायदा हो सकता है। एक बात और कहना चाहूंगा कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप अपने मेंटर से एक बार चेक कराएं, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा कि आपने कहाँ गलती करी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने नोट्स को अपडेट करें, ये बहुत जरूरी है ना। आप जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री का नोट बना रहे हैं या साइंस की नोट बना रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं साइंस में, है ना, जो अपडेट होते रहता है पर डे, उससे रिलेटेड कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, इन्वायरमेंट में कुछ होते रहते हैं, तो आप उसको ऐड करें अपने नोट्स, है ना। क्योंकि ये एग्जाम वही है, आप कितना मतलब अपने इन्वायरमेंट से, आप कितने अपने सोसाइटी से, आप कितने इंटर रिलेटेड हैं, तो वो जरूरी है, है ना। अपने नोट्स को अपडेट करते हैं जी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने नोट्स को अपडेट करते रहे, खुद से पढ़ के नोट्स तैयार करें। और साथ ही साथ अब ये बात आ जाती है सर कि आपका इतना एक्सपीरियंस आने के बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हुए उस वक्त कौन कौन सी तैयारी खास तौर पर आपने की थी, कैसा इंटरव्यू फेस किया, कैसे सवाल आपके साथ किए गए थे और आपने किस तरह से जवाब दिया था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस जगह पे जाते हैं कि हम तैयार हो जाए, तो आप बताइए ऐसे। चूंकि ये मेरा चौथा इंटरव्यू था, इसके पहले मैंने बिहार भी एक बार इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं बीपीएससी, और ये मेरा जेपीएससी कट था, तो इससे चूंकि स्टूडेंट घबराए नहीं कि हम लोगों का भी फोर्थ अटैम्प्ट या फिफ्थ अटैम्प्ट में होगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में भी कर सकते हैं, है ना। तो आप जब इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको सबसे पहले तो अपना जो पर्सनालिटी से रिलेटेड आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, चूंकि इस बार मेरे इंटरव्यू में मुझसे ये पूछा गया था, चूंकि मेरा जो घर है वो रातू में है, तो मुझसे पूछा गया था, वो पद्मश्री अवार्ड जो मिला है मधु मंसूरी हसमुख को, तो उनके बारे में पूछा गया। दीपिका मेरे रातू से ही बिलोंग करती है, जिनकी शादी है, तो उनके बारे में पूछा गया। फिर मेरा चूंकि ग्रेजुएशन हुआ है चतरा कॉलेज चतरा से, क्योंकि फादर वहीं पोस्टेड थे, तो वहाँ जो फांसीहारी तालाब है जहाँ जयमंगल पांडे को फांसी हुई है वो पूछा गया। फिर वहाँ जो इटखोरी मंदिर है वो पूछा गया कि इटखोरी का नाम इटखोरी क्यों पड़ा। हाँ, तो ये सब क्या है, वो आप अपने अगल बगल मतलब आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ के जो सराउंडिंग है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके पहले वाले इंटरव्यू में भी वो लोगों ने मुझे पूछा था कि आप रातू में रहते हैं तो रातू में सबसे अधिक जो ट्राइब है वो कौन से हैं और उनके कल्चर के बारे में, तो ये सबसे पहला चीज तो है कि आप अपने अगल बगल आप जहाँ पे रहते हैं, आपका जहाँ से ग्रेजुएशन हुआ है या आप कहीं और से बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि आप जो है ग्रेजुएट किससे हैं उस पर कमांड होना चाहिए, क्योंकि यदि आप उससे रिलेटेड मतलब आपसे यदि क्वेश्चन किया जाता है और आप जवाब नहीं दे पाते तो वो आपका निगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो ये ग्रेजुएशन से मतलब का सब्जेक्ट से मतलब आपको पूरी आप जानकारी होनी चाहिए। हालांकि चूंकि होता क्या है कि स्टूडेंट ग्रेजुएशन के समय तो ज्यादा वो मतलब सिंसियर होते नहीं है, तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट से उनका बहुत वास्ता नहीं होता है, है ना। लेकिन इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो आपको थोड़ा एक बार आपको देखना पड़ता है, है ना, कि आप वो बस बाकी वो तो नॉर्मल है, आप करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। करंट अफेयर में आप जवाब नहीं भी देते हैं तो नो प्रॉब्लम, है ना। तो
ये बहुत अच्छा लगा आपका, मतलब इस तरह की तैयारी होकर आप जा सकते हैं, आपके सजेशन को तो लेना ही है, साथ ही साथ आप कहाँ रहते हैं, आपके आसपास में कौन कौन सी चीजें फेमस है, कैसे हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखना होता है। कुछ ऐसे सवाल सर आपके साथ हुए होंगे जिसका आपने कल्पना भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा, कुछ ऐसे सवाल? मैं जब इंटरव्यू बोर्ड में बोर्ड के सामने बैठा हुआ, उन्होंने मुझे एक पजल पूछा था, है ना। उन्होंने बोला कि आप, मैं एक स्क्वायर में एक पेपर देता हूँ, उसको मैं 10 times फोल्ड करता हूँ, तो उसके बाद फोल्ड करने के बाद मैं कट करता हूँ, तो उसमें से कितने वो निकलेंगे पीसे, तो ये मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे अल्टर लगा ये कौन सा सवाल है, लेकिन चूंकि बोर्ड है इंटरव्यू, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, लेकिन मेरे मार्क्स पे तो उसका इफेक्ट पड़ा नहीं। उससे लेकिन क्या है ना कि उससे आपको ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना है कि मैंने जवाब नहीं दिया, बस आप नहीं जानते हैं, ईमानदारी से जवाब देना है, सॉरी सर, है ना, मुझे नहीं मालूम इसका आंसर। और मैंने भी वही किया, फटाक से मैंने बोला कि सॉरी सर मुझे नहीं पता है। तो दोस्तों ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है इंटरव्यू में, तो बिल्कुल आप कोई कॉन्फिडेंट होकर जाए और कोई भी सवाल का जवाब आराम से दे, और जो नहीं आता है तो सर जैसे बता रहे कि आप सॉरी कह सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तैयारी के बाद हर सवाल का जवाब आपको पता ही हो। तो ऐसे ही आप इस तरह की तैयारी के साथ जाएंगे। सर कुछ और खास टिप्स आप बताना चाहें जो हमारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं? यदि आप, मैं छात्रों को, स्टूडेंट्स को ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप यदि तैयारी करते हैं तो दो चीजें आप अपने जेहन में डाल लें और गांठ बांध लें कि मुझे ये दो चीज तो करनी ही करनी है। पहली बात तो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मीन्स कि आप पर डे पढ़ाई करनी है आपको, है ना, आप पर डे आप उस टाइम को एक फिक्स कर लें कि मुझे ये टाइम पढ़ने पे ही देना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि बाय द वे मान लीजिए वो टाइम आपका किसी तरह वेस्ट हो जाता है तो आप नेक्स्ट डे उसको फुलफिल करना है, मतलब आपका वो मान लीजिए कि आप आज ये 4 घंटे का पढ़ाई का टाइम आपने बांधा है कि मुझे पढ़ना है, तो पढ़ना है तो पढ़ना है, ये डिसिप्लिन। दूसरा अपने प्रति ऑनेस्टी, आप ऑनेस्ट रहेंगे खुद के प्रति कि मुझे लिखना है तो आपको लिखना ही लिखना है, आप कितना बेटर लिख रहे हैं, है ना, पर डे लिखना है तो ऑनेस्टी खुद से भी करना है, और थोड़ा धैर्य, पेशेंस, क्योंकि पेशेंस का ही एग्जाम है जी। आप चूंकि 3 stages आपके एग्जाम्स होते हैं तो हर स्टेज में आपको पेशेंस रखना है, तो पेशेंस भी बहुत ही जरूरी है इस एग्जाम को पास करने के लिए। पढ़ाई तो अपने जगह पे है लेकिन बाकी ये सारी चीजें भी आपके सक्सेस के लिए बहुत मायने रखता है। और एक चीज है कि लोग सोचते हैं ना कि समाज से कटना है, ऐसा कुछ नहीं है, समाज में ही रहना है, क्योंकि आप समाज के साथ रहकर ही आप तैयारी कर सकते हैं। यदि समाज से आप कटेंगे तो आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, समाज भी जरूरी है, है ना, आप फ्रेंड्स भी जरूरी है, लेकिन ये कि आप समाज में ही घुस गए हैं, फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, आज दोस्त की शादी है, आज दोस्त के यहाँ फंक्शन है, तो वो नहीं करना है, आप लिमिट में करना है सब। मैं स्टूडेंट्स को ये भी कहना चाहूंगा कि जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास किए हैं, उसमें ई ज्ञान सागर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि जो वर्किंग थे वो तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास कर नहीं पाते थे, तो ई ज्ञान सागर में उन्होंने एडमिशन लिया और क्लास किया, और ये बहुत ही फायदेमंद हुआ। बहुत सारे लोगों ने फोन करके भी हम लोगों को बताया कि ई ज्ञान सागर से हमें बहुत फायदा हुआ। तो आप जो ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं वो ई ज्ञान सागर की सर्विस ले सकते हैं, और मैंने भी उसमें क्लास लिया है, मेरा भी उसमें क्लास है, और सभी स्टूडेंट्स को जो जिन्होंने इस एग्जाम्स को मेरे साथ पास किया है उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और इसी तरह आगे बढ़ते रहे आप। तो बिल्कुल सही सर ने हमें बहुत बारीकी से हर बात को समझा भी दिया है और हम समझ भी गए हैं। बेशक आप भी समझ गए होंगे कि कैसे तैयारी करनी है, कहाँ एडमिशन लेना है, कैसे नोट्स तैयार करना है, और इन सभी बातों का आपके लाइफ में बहुत फायदा देने वाला है। तो सर इतनी सारी जानकारी आपने दिया, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही ई ज्ञान सागर की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई आपकी सक्सेस के लिए। तो दोस्तों ये थी ई ज्ञान सागर की सक्सेस स्टोरी, जिसको आपने देखा, सुना, समझा, लेकिन इन बातों को अमल भी करना होगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें। अगले कड़ी में हम बहुत जल्द मिल रहे हैं एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
सर इतनी वास्ट सिलेबस, इतनी पढ़ाई का बड़ा है, उसके बाद आपने टीचिंग भी किया, तो इस दौरान कुछ आपकी खास हॉबीज भी होंगी जिसे आप एंटरटेन करते थे, आपके आपको रिप्लेसमेंट लेते थे, तो ऐसा क्या कुछ खास? हाँ बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा म्यूजिक सुनना और गाना ये करते थे। हाँ, ये थोड़ा म्यूजिक सुनना ज्यादा, तो म्यूजिक सुनने से मुझे लगता था कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया, तो माइंड रिफ्रेश करने के लिए मैं म्यूजिक सुना करता हूँ, ओल्ड सॉन्ग्स। अच्छा, कुछ ऐसे कुछ है आपके कलेक्शन में कुछ याद, तो बिल्कुल हम चाहेंगे सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं गाना एक सुना रहा हूँ आपको, ओल्ड सॉन्ग है और ये मेरा फेवरेट है, मैंने अपने इंस्टीट्यूट में ये प्रोग्राम में भी ये गाया है, इसी को सुना रहा हूँ। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, चाहते चाहते ये तो बता दा हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल